नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति YouTube चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में धान, गेहूं, गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि इन सब के बीच किसानों के बीच मुनाफेदार पौधों की खेती करने की प्रक्रिया बढ़ सके, इसके लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। आपको बता दें कि बांस की खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अन्य फसलों के मुकाबले इसकी लागत बेहद कम है, लेकिन कमाई ज्यादा है। किसानों के बीच इस पौधे की खेती करने का चलन बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा नेशनल बैम्बू मिशन तक चला रखा है, जिसके माध्यम से इस खेती के लिए किसानों को अन्य रूप से सहायता मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों की माने तो एक हेक्टेयर में तकरीबन बांस के 1500 पौधे लगाए जा सकते हैं। ये फसल करीब 3 सालों में कटाई लायक तैयार हो जाती है। इस दौरान प्रति पौधे पर लगभग 250 रुपए का खर्च आता है। सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो किसानों की लागत काफी हद तक कम हो जाती है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। अगर आपने अपने युवा अवस्था में इस पौधे को लगाया है तो 56 से 70 साल तक इस पौधे से आप कमाई कर सकते हैं। यानी कि एक बार इस पौधे की खेती कर आप पूरी जिंदगी से बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अधिकतर किसान बांस के साथ अदरक, हल्दी जैसी चीजों की खेती करते हैं। बांस के खेतों में आप हर चीज की खेती कर सकते हैं, जो छायादार जगह पर भी अच्छी पैदावार देती हो। इससे भी किसानों का मुनाफा अच्छा खासा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा बांस की लकड़ियों से कई तरह की सजावट के सामान, गिलास, लैंप जैसी तमाम चीजें बनाई जा सकती हैं। इन प्रोडक्ट्स की बाजार में भारी डिमांड है। बाजार में इन पर अच्छी कीमतें हासिल होती हैं। इसके अलावा इसकी लकड़ी से आप फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। यानी कि इस पौधे की खेती से आप सालाना लाखों का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।